गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक पेट के अंदर गैस का सवाल है, जो गैस बनती है वास्तव में ये नॉर्मल फिनोमिनन है। जब भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो गैस बनेगी। जो गैस है हमारी इंटेस्टाइन में अराउंड 750 ml गैस इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। जो गैस जितनी है वो डकारों में निकल सकती है, वो नीचे से पास हो सकती है, जिसे फ्लेटस कहते हैं। अगर गैस ज्यादा बन रही है एंड बॉदरसम है तो आज उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा मैं कि अगर गैस फॉर्म हो रही है तो हाउ कैन यू ट्रीट। देखिए, देर आर सर्टेन फैक्ट्स जो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है, गैस का दर्द उठ रहा है और ये किसी मेडिकल कंडीशन के चलते है, चाहे वो सीलिएक डिजीज हो, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, तो उस ट्रीटमेंट, उस जो डिजीज एंटिटी है उसको आप डॉक्टर की मदद से ट्रीट कराएंगे तो गैस फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसका मतलब अगर बॉदरसम गैस है, उसके साथ में कुछ बीमारी है या कोई हेल्थ कंडीशन है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, इन उसका ट्रीटमेंट लीजिए तो गैस फॉर्मेशन विल बी मिनिमाइज्ड। ये नंबर वन है। नंबर टू पे ध्यान देखिए कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है लेकिन गैस बॉदरसम है, इन परेशान कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो इस तरह की गैस है वो कैसे ट्रीट होगी। कुछ डाइटरी मेजर्स हैं उनसे ट्रीट होगी, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उनसे ट्रीट होगी, इन कुछ ओटीसी मेडिकेशंस होते हैं उनसे ट्रीट होगी। इनके बारे में बात करूंगा मैं आज। आज मैं बात करूंगा उस गैस के बारे में जो मेडिकल कंडीशंस के चलते नहीं है। नाउ लुक एट द फैक्ट्स। जहां तक गैस के सोल्यूशन का सवाल है या ट्रीटमेंट का सवाल है, यह हर आदमी के लिए एक जैसे नहीं हो सकती है। कोई चीज मुझे काम करती है तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे। तो जो सोल्यूशन इज नॉट वन फॉर एवरीवन, लेकिन अगर आप थोड़े से ट्रायल एंड एरर करते हैं तो यह बात सही है कि गैस से आप छुटकारा पा सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रायल एंड एरर से जो छुटकारा है गैस से वो पाई जाते हैं। नाउ डाइटरी मेजर्स को ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आर द डाइटरी मेजर्स। अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए और फिर डाइट को चेंज करिए। और जैसे ही आप डाइट को चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि जो गैस की अमाउंट का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे जो है कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप डाइटरी चेंज करते हैं तो जो फूड आइटम्स हैं वो गैस को इजीली पास करने की ताकत रखते हैं। साइंटिफिकली आपको करने की जरूरत है कि आप एक डायरी बनाएं और आप रोज नोट करें कि आज आपने क्या खाया और गैस ने कितना परेशान किया। और ये जो आपने रोज क्या खाया, गैस ने कितना परेशान किया, ये एक हफ्ते की डायरी मेंटेन करके खुद उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ये डायरी डॉक्टर को दिखाएं। उससे आप और आपके डॉक्टर दोनों मिलके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वास्तव में आपकी जो डाइट है उसमें किस तरह के चेंज की जरूरत है, सो दैट गैस का जो फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाए। साइंटिफिकली कभी कभार एलिमिनेशन डाइट की जरूरत पड़ती है। कुछ खाने की चीजों को आपको एलिमिनेट करना पड़ सकता है या खाने की चीजों की जो प्रोपोर्शन है या अमाउंट है उसको नीचे करने की जरूरत पड़ सकती है डाइटरी मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए। नाउ अगर हम डाइटरी मेजर्स को ध्यान से देखें, देयर आर सर्टेन एरियाज जो साइंस ने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपको खुली आंख से देखने चाहिए। नंबर वन आर द हाई फाइबर फूड्स। ऐसे जो ना खाने जिसमें रेशे या फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो कभी कभी गैस ज्यादा बनाते हैं, जैसे बीन्स होती हैं, राजमा है, लोबिया है, मटर है, ऑनियंस है या प्याज है, ब्रोकली है, केबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये कुछ कैटेगरी के वेजिटेबल्स हैं जो हमेशा जो गैस है उसको ज्यादा बनाने की ताकत रखते हैं। साइंटिफिकली इनको या तो आप रिड्यूस करिए या एलिमिनेट करिए अगर गैस ज्यादा बन रही है तो। इसके अलावा एक डाइट का चार्ट मेंटेन करिए, आप पहचान पाएंगे कि इसमें से क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एलिमिनेशन डाइट में भी ट्राई। नंबर दो पर आती है डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मिल्क है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें लैक्टोज करके एक शुगर होती है। ये जो लैक्टोज है बहुत लोगों की जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज करके जो एंजाइम होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर लैक्टेज नहीं है तो जो आप दूध के प्रोडक्ट लेंगे तो गैस बनेगी। तो देयर आर सर्टेन आइटम्स जैसे लैक्टेज लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल होते हैं, जैसे सोयाबीन मिल्क है, आलमंड मिल्क है, ये सब लैक्टोज फ्री आइटम्स हैं। तो अगर
अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रिपरेशन हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। नंबर तीन पर आते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट्स। बहुत लोग बहुत सारे शुगर सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल है, ज़ाइलिटॉल है, ये वास्तव में आपको मीठे का स्वाद तो देते हैं लेकिन ये बहुत सारी शुगर बनाते हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको शुगर सब्स्टिट्यूट को मिनिमाइज या अलग करने की जरूरत है। इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट उसको आइडेंटिफाई या अडॉप्ट करने की जरूरत है। नंबर फोर पर आते हैं फैटी फूड या फ्राइड फूड। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बहुत आप ऑयली फूड लेते हैं तो जो ऑयल होता है वो फूड के जो एक क्लियरेंस होती है इंटेस्टाइन की उसको हमेशा स्लो करता है, और चूंकि स्लो करेगा तो स्लो करने से गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो साइंटिफिकली आप अगर फैट को मिनिमाइज करेंगे तो गैस के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन आर द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अगर आपको आदत है कि रोज आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, रोज आप सोडा पीते हैं, आपको आदत है कि रोज आप बियर भी पीते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा गैस ज्यादा बनाती हैं, तो या आपको इनको एलिमिनेट करने की जरूरत है या आपको रोजमर्रा की लाइफ में मिनिमाइज करने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन आर द फाइबर सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए फाइबर सप्लीमेंट लेते हैं और हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा इसबगोल। तो जो फाइबर सप्लीमेंट है वास्तव में एक अनकंफर्टेबल गैस बनाने की ताकत रखते हैं, तो अगर आपको फाइबर सप्लीमेंट लेना है तो मैं एडवाइस दूंगा कि एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए। नाउ जहां तक वाटर का सवाल है, इट इज हाईली रिकमेंडेड साइंटिफिकली। अगर आप अच्छी मात्रा में वाटर पीते हैं या पानी पीते हैं, आप हर मील के साथ पानी पीते हैं, ये आपको हेल्प करता है। जो पानी है वो गैस को मूव कराता है एंड ऑनवर्ड जो है ना उसकी जर्नी को स्मूथ करता है। इसलिए अगर आप फाइबर ज्यादा लेते हैं डाइट में या प्रोटीन्स ज्यादा लेते हैं तो आपको पानी की जो अमाउंट है उसको बढ़ा के रखने की जरूरत है। नो इसके बावजूद कि आपने सब डाइटरी चेंजेस किए, पानी भी खूब पिया, इसके बावजूद भी गैस बनती है, तो साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको कुछ ओवर द काउंटर रेमेडीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्राई करने की जरूरत है। एक प्रोडक्ट है, नंबर वन इज द अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीनो के नाम से मार्केट में मिलता है, बीन असिस्ट के नाम से मार्केट में मिलता है। वास्तव में इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं जैसे जो बीन्स में होते हैं या दूसरे वेजिटेबल्स में होते हैं। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से आते हैं, ये इजीली मार्केट में जो नाम फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देन लैक्टेज सप्लीमेंट। मान लीजिए आपको दूध से इंटॉलरेंस है तो बहुत सारे लैक्टेज सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे लैक्टेट अवेलेबल होता है, आप इसको इस्तेमाल करें दूध पीने के पहले तो आपका जो मिल्क का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द साइमेथिकॉन। जो साइमेथिकॉन है वास्तव में जो गैस के बबल्स होते हैं इंटेस्टाइन में उसको ब्रेक डाउन करने की ताकत रखती है, इन गैस इजीली पास हो जाती है। ये बहुत सारे नाम से मिलती है, गैसेक्स के नाम से मिलती है, गैसोफिल्म के नाम से मिलती है, तो साइमेथिकॉन इज द वन जो आप ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द एक्टिवेटेड चारकोल। वास्तव में चारकोल है, ये गैस को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसको ट्राई किया जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है एज फार एज गैस इज कंसर्न, वो दो ही कैटेगरी में आएगा। अगर गैस आपको इसलिए बन रही है क्योंकि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो आपको उसको ट्रीट कराने की जरूरत है। अगर गैस इसलिए बन रही है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में जो ना प्रॉब्लम है तो वास्तव में उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर गैस उसके चलते हो रही है तो कुछ डाइटरी जो फूड आइटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उनको डाइट से एलिमिनेट करने की जरूरत है, उससे फर्क पड़ेगा। आपको जो ना पानी ज्यादा पीने की जरूरत है उससे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि इन सब करने के बावजूद गैस परेशान कर रही है तो ओवर द काउंटर बहुत सारे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, कुछ साइमेथिकॉन अवेलेबल होती है, इन्हें आप ट्राई करिए। इससे जो गैस का फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा एंड आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर गैस फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के ये जो जनरल ऑप्शंस हैं इनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।